दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड सेटअप बॉक्सेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स आज की ज़रूरत क्यों बन गई है, आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है कि आपके पास एक एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स होना चाहिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, पूरा विश्लेषण आज की इस वीडियो में होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स होता क्या है दोस्तों, एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स के माध्यम से जो भी OTT ऐप्स है वो आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग फीचर्स भी होते हैं एंड्रॉयड बॉक्सेस में, रिकॉर्डिंग फीचर्स के माध्यम से लाइव टीवी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी फीचर्स हैं दोस्तों जो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स में आपको मिलते हैं। दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स अलग अलग DTH कंपनियाँ भी अब निकालने लगी हैं, और अलग अलग DTH कंपनियाँ कौन सा एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स निकाल रही हैं दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टेक डिजिटल डीएस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स अगर टाटा प्ले की बात करें तो टाटा प्ले बिंज प्लस नाम है, अगर डिश टीवी की बात करें तो डिश टीवी डिश स्मार्ट हब, और अगर एयरटेल डिजिटल टीवी की बात करें, एयरटेल की बात करें तो एयरटेल स्ट्रीम। दोस्तों ये कुछ एंड्रॉयड सेटअप बॉक्सेस हैं जो अलग अलग DTH कंपनियों का मार्केट में उपलब्ध है। आपको जो सही लगता है दोस्तों आप कोई भी एक सेटअप बॉक्स परचेज कर सकते हैं। कभी कंपेरिजन हम कर देंगे तीनों सेटअप बॉक्सेस का तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको कौन सा सेटअप बॉक्स लेना है अगर एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स परचेज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेटअप बॉक्स की और बात करनी जरूरी हो जाती है, और वो है जियो का एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स। और दोस्तों बेहद ही शानदार है, वो भी जियो टीवी प्लस एक ऐप है उसके अंदर ही चलता है, और उसके अंदर काफ़ी सारे TV चैनल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बात अलग है दोस्तों कि आपको अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि जियो टीवी प्लस में एक ही जगह पे आपको कई सारे टीवी चैनल्स लगभग सभी टीवी चैनल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें डिश स्मार्ट हब या बिंज प्लस या एयरटेल स्ट्रीम की दोस्तों, तो अगर आप OTT कंटेंट देखना चाहते हैं अलग अलग OTT ऐप्स के माध्यम से, जैसे डिस्नी हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, G5 हो गया, तो इन OTT ऐप्स का दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल सेटअप बॉक्स में दोस्तों तो आप ये सारे OTT ऐप्स देख नहीं सकते हैं। तो जो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स DTH कंपनियों का है दोस्तों, उसमें एक सुविधा होती है कि जो आपके OTT कंटेंट है OTT ऐप्स के माध्यम से तो आप देखते हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसमें आप ट्यून इन कर सकते हैं लाइव TV चैनल्स भी। दोस्तों लाइव TV चैनल्स का भी ऑप्शन रहता है, एक सेटअप बॉक्स होता है दोस्तों, और उसमें आपको OTT ऐप्स मिल जाएंगे, लाइव TV चैनल्स मिल जाएंगे। जैसे नॉर्मल आप सेटअप बॉक्सेस में डिश TV के देखते हैं, वैसे ही उसमें भी, यानी डिश स्मार्ट हब में भी देख सकते हैं, टाटा प्ले बिंज प्लस में भी देख सकते हैं, और एयरटेल स्ट्रीम में भी देख सकते हैं। दोस्तों ये एक सुविधा है, और इसका कारण ये है दोस्तों कि बढ़ती डिमांड जो OTT प्लेटफॉर्म्स की है, इस कारण से कंपनियों ने निकाला हुई है, काफ़ी समय से दोस्तों मार्केट में उपलब्ध है। और अब जैसे जैसे दोस्तों OTT कंटेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, इतनी पॉपुलरिटी मिल रही है जो OTT ऐप्स हैं उनको दोस्तों, तो इस वजह से जो यूज़ है इन एंड्रॉयड सेटअप बॉक्सेस का बढ़ा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।